तो अभी हम खाना खा रहे हैं तो मुकेश भाई कैसा है? यार बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और खास बात बताऊं? हाँ तरीके से मंडप में बनाते हैं और ये चावल रखते हैं और ये देखने ये लकड़ियाँ लगाई हैं और इसको देखो थोड़ा थोड़ा रंग भी लगा हुआ है। जय श्री राम दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग? तो दुआ कर उम्मीद है कि आप एकदम मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो आज हम आए थे शादी के, तो हम बना रहे हैं मंडप, मैं और मेरे साथ मुकेश भाई है। तो ये देखें मुकेश भाई, ये हम दिया आपको जिस तरीके से मंडप में बनाते हैं और ये चावल रखते हैं और ये देखने ये लकड़ियाँ लगाई हैं और इसको देखो थोड़ा थोड़ा रंग भी लगा हुआ है। तो ये और ये चावल, चावल से बनाया फूल और ये देखो वहाँ पे दूल्हा और दुल्हन बैठेंगे। और ऊपर से ही भाई दिखाएं तो ये ऊपर से सजावट की है। तो हमारे पाकिस्तान में इस तरीके से मंडप बनाते हैं, तो आपके वहाँ कैसे बनाते हैं? क्या ये सेम रिवाज नहीं है? हमने इसमें एक डूंगी रखी है, वो होता है नारियल, सूखा नारियल रखा है और इसमें घी लगाया। ये रिवाज है हमारे पाकिस्तान में। तो ये मंडप आज बना, ये हमारे जो यहाँ के महाराज साहब है, साधु हैं, तो ये ब्राह्मण है, तो ये हमारे दूल्हे साहब हैं, पाकिस्तानी दूल्हे। तो ये हमने ऊपर से कुछ गुब्बारे भी लगाए, गुल वगैरह भी लगाए। अभी दूल्हा साहब आ गए हैं, देख सकते हैं मोड़ इस तरीके का होता है, जो सेहरा होता है, हम सेहरा बोलते हैं, हम मोड़ बोलते हैं और हार भी पहनाते हैं। और ये फूल की पत्तियां भी रखी हैं हमने ना। तो दोस्तों अभी फेरे वगैरह हो गए, तो अभी बस अभी ये खा रखे, तो अभी निकालना मुकेश भाई, अभी इसको जमीन में देना है। अच्छा ये नहीं, ये निकाल ले सारे। जिस तरीके से हम पाकिस्तान का हमारा रिवाज है मंडप बनाने का, शादी तो मैंने आपको पहले दिखाई थी, पर आज मैंने सोचा हम आए थे मंडप बनाने के लिए, तो घर से तो भाई ने बोला और हमारे कोई है नहीं, तो मैं मुकेश ठाकुर आए थे इधर मंडप बनाया। तो आपको मंडप कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुकेश भाई दिखाओ। अच्छा अखिलेश, मेरा एक आपसे सवाल है। अच्छा ये हम आए हुए हैं, ये दर्शकों को बता दो किस जो रवाज किसका है? ये हमारे जो भील होते हैं ना, हाँ ये भील उनके। अच्छा रेगिस्तान वाले जो है, ये भील है, वो पता नहीं मीना पता नहीं ऐसे जाति के ये भील है। अच्छा मीना पता नहीं ऐसे जाति के, अच्छा ये भील उस जाति से है, मीना जाति के भील है ये, थर पार करके। अच्छा तो थर के नहीं, थर के ही है, थर के सलाम कोट के ये भील है, पर यहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे पानी नहीं है तो यहाँ पे आके पनी वगैरह करते हैं। तो इनके घर पे आज शादी थी, तो ये बहुत ही गरीब है, मुझे बोला आप आए मंडप वगैरह बनाए, तो आए हम मंडप बनाया, मुकेश भाई को बुलाया, तो जितना हो सका हमने इनकी हेल्प की। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मुकेश भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे इधर आए? हम तो बस यही कहते हैं अच्छी तरीके से जो शादी हो गई। हाँ मुकेश भाई, तो भाई ये तो बहुत ही अच्छी तरीके से इनकी शादी। अच्छा रवाज भी बहुत ही प्यारा लगा मुझे जी। कुर्सियों के ऊपर बिठाते हैं। अच्छा और इधर भीलों में हमारे रिवाज है नीचे बिठाने का, ऊपर नहीं बिठाते। जी हाँ हमारे में कुछ नीचे बिठाते हैं, कुछ जो है ना कुर्सी पर बिठाते हैं। तो अभी इसमें से डूंगी निकालो आप, खाएं अंदर है आप, निकालो सही या निकाल ली देखना, अंदर नहीं है भाई, निकाल लिए डूंगी चली गई है। हाँ पोपट हो गया आपने साथ, हाँ खार के खा ले तो आपके साथ भाई पोपट हो गया, डूंगी निकल गई। तो अभी अभी मुकेश भाई इनको दिखाएंगे जो प्रसादी के मतलब चावल कैसे होते हैं, क्या बोलते हैं आप बताना, चावल जो अभी शादी की दावत के जो बारातियों को खिलाए जाते हैं, तो भाइयों को दिखाएंगे। चल ठीक है खारक खाओ। तो इसको दोस्तों हम खारक बोलते हैं, ये खारक है, खारक बोलते हैं ना। हाँ ये होली वाले दिन हमें काम आएगी।
तो दोस्तों अभी हम खाना खा रहे हैं, तो मुकेश भाई कैसा है? यार बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और खास बात बताऊं? हाँ, इसमें जो है ना, जो प्याज है ना, प्याज नहीं डाली हुई है। अच्छा जी, बिगर प्याज के। हाँ भाई, बहुत ही बेस्ट बिरयानी यार, बहुत अच्छी है यार। भाई ये चिकन बिरयानी नहीं है यार, आप बिरयानी समझते हो? आलू, आलू, आलू बिरयानी है। हम आलू और चना बिरयानी खाते हैं यार, गोश्त खाते नहीं है। मतलब बिरयानी चावल को हम जो ये होता है ना, जो क्या बोलते हैं ये है चावल, हम तो भत बोलते हैं, पर हम उर्दू का लफ्ज है बिरयानी, तो भले चिकन हो चाहे कोई भी, उसको हम बिरयानी बोलते हैं। तो ये आलू बिरयानी भाई हम खाते हैं। आप कमेंट करते हैं कि यार क्या बिरयानी खाते हो, बिरयानी बिरयानी यार, मुर्गी वाली होती है, छोलू वाली होती है। तो मुकेश भाई अभी देख खा गए पूरी, ये पूरी देग है। तरफ पे जो अपने ये भाराती हैं, तो ये खाना खा रहे हैं अभी। दिखा के आओ, नहीं दिखाने नहीं है। तो मुकेश भाई बेस्ट है, वीआईपी। अच्छा, कुछ दोस्तों को कहेंगे बिरयानी कौन सी बिरयानी है, कौन सी बिरयानी खाते हैं? आलू बिरयानी। आलू बिरयानी यार, मुझे कमेंट आते हैं। मैं एक बार गया था, वो इस तरफ गया था, ठीक है, इस्लाम कोट, तो मैं वहाँ पे चावल खाए थे चने वाले, तो मैंने बोला बिरयानी, तो वो क्या बोले, आप यार बिरयानी खा के मंदिर में गए थे। तो ये दोस्तों चावल वाली बिरयानी होती है भाई। एक हमारे यहाँ माता की जो हम छिले देते हैं ना, वो ही हमारे को जायज है, और कोई गोश्त जायज नहीं है। वो भी नहीं खाता हूँ, मैं तो नहीं खाता हूँ। अच्छा, वो हमारे को खाना पड़ता है, माता का होता है ना, थोड़ा सा भी जरूर खाना पड़ता है। अच्छा, तो पता नहीं, मुझे नहीं पता बाकी। ये भाई चना बिरयानी होती है, चिकन बिरयानी आप नहीं समझे। चिकन तो घर में ही नहीं ले आते हैं भाई। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राम।